सुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का मैट्रिसेस का वीडियो नंबर 5। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा और आज का जो वीडियो है एग्जामिनेशन बेस्ड है, मतलब आज जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। तो हर वर्ष चेंज करके क्वेश्चन जो आता है तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट किया हूं और आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का, इफ़ ए इज इक्वल टू 3211 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ये गिवेन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो हम लोगों को ए छोटा ए और छोटा बी का मान निकालना है। तो बड़ा आसान है, जो गिवेन है उस पर सॉल्यूशन करना। गिवेन दैट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर कसके बोलिए ए इंटू ए प्लस इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? हाँ, तो ए के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, तो दो बार ए को लिख दीजिए 3211 प्लस छोटा ए, फिर ए के जगह पे कितना लिखेंगे 32 प्लस और आई के जगह पे कितना लिखेंगे, आई क्या है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, 2x2 में 1001 लेते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ गुना, रो को कॉलम से, बार बार यही बता रहे हैं, रो को कॉलम से 7। ये सेकेंड ट्रिक था सुभ्रा का जिसको हमने आपको बताया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 2 को 1 से 1 को 3 से 1 को 1 से फिर 1 को 2 से 1 को, हर बार रो को कॉलम से गुना करना, इन दोनों को इन दोनों से, इन दोनों को इन दोनों से, फिर इन दोनों को इन दोनों से, फिर इन दोनों को इन दोनों से, फिर आप ए से गुना करो सब में 3a 2a a प्लस b से गुना कीजिए b 0 b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन को आप सरल कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और सब में प्लस है तो 11 प्लस 3a प्लस b लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? फिर 6 और 2 8, फिर 2a, उसके बाद इसमें कितना है लिख देते हैं 0, और ये 0 है तो 0 0 0 0 लिख सकते हैं ना, 0 मैट्रिक्स को। उसके बाद 3 और 1 4, यहाँ पे कितना है a, और यहाँ पे कितना है 0, फिर यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे a, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप डिसाइड करो, डिसीजन लो कि कैसे हम बनाएं। आपके पास दो ऑप्शन है, इस इतना बराबर अगर 0 कर दे तो ए और बी में समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए और बी में समीकरण। और अगर हम ऐसा करें कि 4 प्लस ए बराबर 0 ले ले तो सीधे निकल जाता है ए का मान कि नहीं, 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए बराबर, हाँ या नहीं? फिर यहाँ पे 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0, और ए का मान कितना आया है, ए का मान यहाँ -4, तो यहाँ -4 रख दे रहे हैं, इसलिए बी 4 में 1 गया तो -1 बराबर 0, इसलिए बी बराबर 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ए बराबर -4 और बी बराबर 1, यही आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, और हमेशा ध्यान रखें कि ये सब क्वेश्चन में कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, जो गिवन है उस पे आप वैल्यू पुट कीजिए
और इक्वल मैट्रिक्स का यूज करके ए और बी का मान, एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, अब यहाँ आपके पास दो प्रश्न है, दो मेथड से बनाना। पहला, इसको बटा में कर देंगे तो ये क्या में आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं, इन्वर्स। तो आपके पास दूसरा क्या मेथड बचता है इसको बनाने के लिए, तो आप यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग ए को कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, ए को, और ए को हम लोग मान लेंगे एक्स वाई और ए बी, क्या मान लिए, एक्स वाई और, दो स्टेप लिखेंगे उसके बाद खुद कह दीजिएगा कि बन जाएगा, इतना आसान। क्या माने हैं, एक्स वाई और ए बी, आपकी इच्छा कुछ भी है, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि एक्स वाई और ए बी ही मानना है, कुछ भी मानिए चलेगा, यू भी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी कुछ भी मानिए चलेगा, ठीक है। तो क्या मान लिए हम लोग, ए के जगह पे, ए के जगह पे क्या माने, एक्स के जगह पे ये इतना मान लिए, एक्स वाई ए और बी, क्लियर है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो इन दोनों को इन दोनों से, रो को कॉलम से, रो को क्या से गुना करना है, कॉलम से। तो थोड़ा सा गुना कीजिए, हम एक मिनट का समय देते हैं आपको, जो लोग क्लास में बैठे हैं और जो लोग लाइव या वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी कॉपी निकालिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देखिए गुना करके, उसके बाद जब हम गुना करेंगे तो पता चलेगा कि आपने सही किया या नहीं। हम बस 10 या 15 सेकेंड का समय देते हैं। तो आपने गुना कर लिया होगा, यहाँ ध्यान देंगे, बहुत आसान, 5 और माइनस 7 को एक्स और वाई से गुना करेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड। उसके बाद इसको ए और बी से गुना करेंगे तो 7, हाँ यहाँ ए बी से गुना होगा तो यहाँ ए और बी। उसके बाद माइनस 2, 3 को एक्स वाई से गुना करेंगे तो माइनस 2x + 3y, माइनस 2a + 3b। बनाने के बाद इसी तरह का साउंड आता है और आवाज़, जिसको कहेंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5x - 7y को क्या मान ले, 5x - 7y को क्या मान ले, -16, इसको इक्वेशन 1। माइनस 2x + 3y को क्या मान ले, 7, इसको इक्वेशन 2। उसके बाद इधर a और b वाले को 5a - 7b = -2a + 3b = 2, ये समीकरण 3 और समीकरण। और टेंथ वाले मेथड पे x और y का मान और a और b का मान निकाल लेंगे तो बन जाएगा, क्लियर है ना। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आज हमने बताया कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए इधर, तो यहाँ पे कितना है, 5x, और यहाँ कितना है, -2x है। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में 2 से और प्लस 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 × 10x, 7 × 14y, 16 × 32, थोड़ा कस के बोलिए, 5 × -10x + 5 = 7, 5 = 5, अब कौन कटेगा, ये कटेगा, 15 में 14 चला गया तो कितना बचेगा, सिर्फ y, और 35 में 32 जाएगा तो 3, y का मान निकल गया। अब किस में पुट कर दे, 1 या 2 में, फ्रॉम 1 में। तो 5x - 7y का मान कितना, 3 = -16, तो 5x - 16 + 7 = 21, 5x = कितना हो गया बाबू, 5 कट गया, इसलिए x = x1 आ गया और y कितना आ गया, और वही सेम इक्वेशन है, यहाँ
ए और बी है सिर्फ, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, वन को टू से और टू को फाइव से गुना करेंगे, तो दो से गुना करेंगे तो पाँच दुना दस, ए सात दुना छः दुना पाँच दुना पाँच तिहाई माइनस पाँच दुना, अब क्या कट रहा है, टेन ये कट जा रहा है, पंद्रह में चौदह गया तो सिर्फ बी, और माइनस बारह में दस गया तो माइनस दो। इसको किस में रख दे, वन में टू में, जिसमें इच्छा करे, बी का मान माइनस दो, तो पाँच ए माइनस सात और माइनस दो बराबर माइनस छः, पाँच ए बराबर माइनस छः, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बाबू, प्लस चौदह हो जाएगा ना, और इधर आएगा तो क्या लिख दे, क्लियर है ना, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए माइनस माइनस प्लस चौदह को इधर ले आए तो माइनस चौदह, फाइव ए बराबर कितना हो गया माइनस बीस, और पाँच से अगर काटें तो ए बराबर माइनस चार। जब एक्स वाई ए बी आपका सारा निकल गया तो फिर क्या लिखेंगे, हेंस के पहले चूंकि लिख दीजिए, ए बराबर कितना माने थे हम लोग, एक्स वाई ए बी, अब एक्स और वाई कितना आया, एक्स बराबर वन वाई बराबर ए बराबर माइनस फोर, यहाँ वाई, हाँ हाँ ठीक है हम देख लिए, एक्स बराबर वन और वाई बराबर थ्री, ए बराबर माइनस कहाँ है, यहाँ फोर, और बी बराबर माइनस टू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैट्रिसेस में ही दो जगहों पर ये क्वेश्चन को पढ़ना है, कितना जगह पर, दो जगह, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ए बराबर मान लेंगे चार, चूँकि दो बाई दो का मैट्रिक्स है, लेकिन ये भी कंडीशन है, अगर यहाँ तीन बाई दो बाई तीन का दे दे तो हमको ए बराबर ऐसा मानना है कि दोनों गुना हो जाए, क्या हो जाए, दोनों गुना हो जाए, याद रहेगा हाँ या नहीं। उसके बाद आप ए का मान बैठा दीजिए, उसके बाद आप गुना करेंगे तो दो दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों इक्वेशन से एक्स वाई और ए बी का मान निकालिए और इस पर पुट कर दीजिए, वही इसका आंसर होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आज का, आज की क्लास का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि आर एस अग्रवाल में नए राइटर में नए एडिशन के बुक में यहाँ माइनस दे दिया है जो कि प्लस होगा, ये आपको सुधार लेना है, क्लियर है ना, क्या करना है, माइनस के जगह पे प्लस कर देना है, तो प्लस करके ही बनाएंगे और पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन में माइनस या प्लस क्या होगा आंसर के बाद। तो देखते हैं जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ए बराबर और बी बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, अलग से ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाले, और नहीं तो इसी इक्वेशन में अगर हम बैठा दें तो आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी को जोड़ना है और सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब ए और बी को जोड़िए यहाँ पे, एक प्लस ए वन प्लस ए कितना हो जाएगा, वन प्लस ए इतना ही हो जाएगा, माइनस वन और प्लस वन कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो, क्लियर है ना। दो और बी कितना हो जाएगा, और माइनस वन प्लस माइनस वन कितना हो जाएगा, क्लियर। इसका होल स्क्वायर ए इंटू ए और बी इंटू बी, क्लियर। अब होल स्क्वायर है तो इसको कितना बार लिख देंगे, दो बार, वन प्लस ए जीरो, टू प्लस बी माइनस टू, वन प्लस ए जीरो, टू प्लस बी माइनस टू बराबर ए ए, वन माइनस वन टू माइनस वन, वन माइनस वन टू माइनस वन, प्लस बी कितना है, ए वन बी माइनस वन, ए वन बी माइनस वन, ठीक है। पूरा मैट्रिक्स में हम एक बात पर हमेशा ध्यान देने
को कहते हैं कि प्लस माइनस पे विशेष फोकस हो, थोड़ा सा भी छूटा कहीं प्लस माइनस हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा मेहनत किया हुआ, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे इधर वन प्लस ए को हम यहाँ पे इंडिकेट भी करते थे, इस रो को इस कॉलम से गुना करना है, वन प्लस ए जीरो को इससे गुना करना है, तो वन प्लस ए को वन प्लस ए से गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, और जीरो को गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, क्लियर। अब वन प्लस ए को जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, और जीरो को माइनस टू से गुना करेंगे तो, क्लियर। अब टू प्लस बी को वन प्लस ए से, तो टू प्लस बी इंटू वन प्लस ए, इसको इससे, अब माइनस टू को टू प्लस बी से, क्लियर है ना। इसको जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कसके बोलिए, जीरो। और माइनस दो को माइनस दो से गुना करेंगे तो प्लस चार, फैन चला। चलो इधर वन को वन से गुना करेंगे तो वन, यहां इंडिकेट के लिए आप दे दीजिए इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, समझने के लिए ट्रांसपेरेंट है इसलिए आराम से दिखेगा। वन को वन से गुना किया तो वन, माइनस वन को टू से गुना किया तो माइनस टू, वन को माइनस वन से गुना किया तो माइनस वन, और माइनस वन को माइनस वन से गुना किया तो प्लस वन, दो को एक से गुना किया तो दो, और माइनस एक को दो से गुना किया तो माइनस दो, दो को माइनस एक से गुना किया तो माइनस दो, और माइनस एक को माइनस एक से गुना किया तो प्लस वन। बोलते रहिए तो पता चलेगा कि आप सही सोच रहे हैं या गलत, ठीक है। बाकी हम तो यहाँ सही बोलने के लिए खड़ा हैं, मतलब आप भी सही बोलते हैं, ऐसा नहीं। ए को ए से गुना करेंगे तो, वन को बी से गुना करेंगे तो, वन प्लस बी नहीं, अभी इसीलिए बोले हैं, ए को ए से गुना किया तो ए, वन को बी से गुना किया तो बी, एक ए को वन से गुना करेंगे तो, वन को माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस वन, बी को ए से गुना किया तो ए बी, और बी को माइनस वन को बी से गुना करेंगे तो, बी को वन से गुना करेंगे तो बी, और माइनस वन को वन से गुना, माइनस वन से गुना करेंगे तो प्लस वन। अगर आप अलग अलग करके बनाएंगे तो बड़ा बड़ा गणित हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये आसानी से बन चला, बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, बढ़े ना आगे। हाँ चलिए यहाँ ध्यान दे दीजिए, वन प्लस ए का होल स्क्वायर को रहने देते हैं, तोड़ने की आवश्यकता नहीं, जीरो प्लस जीरो को जीरो भी रहने देते हैं, दो प्लस बी इसमें भी है और इसमें भी है, दो प्लस बी को कॉमन अगर ले ले हम, जरूरत नहीं है फिर भी, यहाँ क्या बच गया, वन प्लस ए और यहाँ माइनस दो है ना, और यहाँ पे कितना बच गया बाबू, फोर। अब यहाँ ध्यान दे दो थोड़ा, ठीक है, वन माइनस टू बराबर, और यहाँ कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस वन और वन कितना हो गया, जीरो, और यहाँ कितना है, ए माइनस वन, ई कलर से इधर वाले को लिख दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, दो में से दो गया कितना, जीरो, और इधर कितना है, ए बी माइनस बी। बड़ा गणित है, इसको हमने छोटा किया, ठीक है, और चार स्टेप में कर दिया, तुरंत बन चला, माइनस दो में एक गया तो माइनस वन, और इसमें कितना है, बी प्लस वन, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, क्लियर है ना। स्टेप वाइज एक एक स्टेप को हम बता रहे हैं, और अब देखिए ये बन गया, ये बन गया बोल रहे हैं, ठीक है, हम इतना स्पेस लेंगे और यहीं पे बना देंगे तुरंत, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस गणित को बड़ा करना तो आप बड़ा कर सकते हैं, इतना बराबर इतना कर दीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने क्या बोला, हम इतना में ही बना देंगे, तो इतना में ही बनाएंगे, इस कोने को इस कोने से बराबर नहीं करेंगे, जीरो को किसको, इस जीरो को, इस जीरो को इसके बराबर कर रहे हैं, तो जीरो बराबर कितना हो गया, ए माइनस वन, यस नो, इसलिए ए बराबर कितना हो गया, बन गया, क्लियर। अब बी निकालना है हम लोगों को, तो यहां देख लीजिए, ई माइनस वन से, ई माइनस वन से ई माइनस प्लस वन कट गया ना, यहाँ कितना है, कलर दे देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ये वाला को ये वाला से, ठीक है, यहाँ पे तो वहाँ चार बराबर बी, तो यहाँ लिखेंगे हेंस ए बराबर वन और बी बराबर
फोर, समझ गए? तो ये बहुत बड़ा गणित था, लेकिन एकदम जो गिवन है उस पर रख देना, गुना करना और आराम से आंसर आपके पास आ जाना। क्लियर है? चलिए तो अब इसके बाद का बढ़िया क्वेश्चन और देखते हैं, एक जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया है, आर एस अग्रवाल में दिया है, केसी सिन्हा में दिया है, आर डी शर्मा में दिया है, ऐसा कोई राइटर नहीं है जिसमें ये नहीं दिया है। इसमें दो फार्मूला लगना है और वो फार्मूला लगेगा आपका, जिसको मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया था, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूला लिख भी देंगे, जो दो फार्मूला यूज होना है हम एक अलग से बोर्ड में ही लिख देते हैं। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार फार्मूला, जो क्वेश्चन नंबर इसके लिए और आगे के लिए यूज होगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ तो यहाँ भी माइनस होगा, और दूसरा कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। क्लियर? ये कौन सा फार्मूला, ये किस में फार्मूला लगेगा, ये अभी जो बनाने जा रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं। किसी को याद है क्या साइन टू एक्स का फार्मूला? हाथ ऊपर कीजिए जरा। चलिए बोलिए श्वेता। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वेरी गुड, बैठ जाइए। कॉस टू एक्स का भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, याद है क्या किसी को? कॉस टू एक्स का चार चार फार्मूला होता है, ठीक है, हाथ नीचे। कॉस टू एक्स का चार फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चार फार्मूला होता है, इसी का यूज होगा, लेकिन हम लिख देते हैं चार फार्मूला के बारे में, हमने आपको बताया तो ठीक है। टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा जो फार्मूला था वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कॉस का, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब में काम देगा। अगला क्वेश्चन में यही दोनों फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए तो एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? तो क्या करना है? एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है। क्या निकालना है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो जहां एक्स है वहां पे वाई रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? एफ वाई, हा या नहीं? और उसके बाद गुना करेंगे, ऑटोमेटिक कितना आना है। क्लियर? तो इसको भी बड़ा सिंपल बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे एल एच एस। क्या लिखेंगे? एफ एक्स इंटू एफ वाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत? तो एफ एक्स में कितना है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। क्लियर ना? कॉपी। ध्यान दीजिए आप एफ एक्स, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्स जहाँ है वहाँ पे क्या करने वाले हैं? वाई लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं? क्योंकि यहाँ भी हम इसी कलर से लिख देते हैं, यहाँ वाई है। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? अब गुना कर देना, एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, तो एफ एक्स ये और एफ वाई ये। चलिए गुना करते हैं, कौन गुना करेंगे? बड़ा सा गुना हो कराएगा, इतना बड़ा सा कौन गुना करेंगे? नया कोई? सुनील गुना कर चुके हैं। चलिए बोलिए तो बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए फटाफट, इसको इससे, बड़ा इजी है। हाँ कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, हाँ माइनस होगा, माइनस इंटू साइन वाई, और जीरो को इससे गुना करेंगे तो इतना बड़ा ए गो का आया है ना, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं इधर, ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए बैठ जाइए, ठीक है।
इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। थोड़ा ध्यान दोगे बाबू, बहुत आसान है, आप वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट लेकर बना लेंगे, लेकिन दिमाग में ये रहना और अगले साल तक रहना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पहले ही बोल दिए कि आज का सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड है। इसके पहले सीखने के आधार पर क्वेश्चन था, और ये आज का पूरा वीडियो का क्वेश्चन जो है सो सारा एग्ज़ाम बेस्ड है, किसी न किसी साल में आपको मिल ही जाएगा ये, ठीक है। तो हमने इस रो को इस कॉलम से गुना किया, फिर इस रो को इस कॉलम से गुना किया, अब इस रो को इस कॉलम से गुना कर रहे हैं, तो हर बार जीरो आएगा। क्या आएगा? क्यों? इसको जीरो से गुना कीजिए, इसको जीरो से गुना कीजिए, इसको जीरो से गुना कीजिए, क्लियर है ना। अब चलते हैं सेकेंड के लिए, सेकेंड में लिखना है तो सेकेंड वाला को लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू, क्लियर है ना। उसके बाद प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, थोड़ा स्पेस बचा के लीजिएगा ना, क्लियर ना, यहाँ कॉस लिखा हुआ है। चलिए इधर, फिर साइन एक्स को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस जीरो, और इन तीनों को फिर ऐसे गुना करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, क्लियर हो गया। जीरो को गुना करें जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, और अभी अभी जो फार्मूला हम लोग लिखे थे जीरो जीरो एक, जीरो जीरो एक, जीरो जीरो, क्लियर है ना। चलिए अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा फार्मूला में, यहाँ देखिएगा, यहाँ याद रखिएगा सिर्फ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका है, कॉस ए प्लस बी का, माइनस रहेगा तो प्लस में, कॉस माइनस में रहेगा तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम, कॉस एक्स प्लस वाई, यस नो, ये दोनों का माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे, दिखा रहे हैं सिर्फ, यहाँ ये दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन एक्स प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों का माइनस पहले ही हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो ये दोनों पूरा क्या हो गया, प्लस में, और साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्लियर, ये जीरो। फिर यही चीज यहां पे आया था, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है, दिखाते भी हैं, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना, दोनों जगह ए और बी की जगह पर एक्स और, फिर यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का, यहाँ जीरो, यहाँ वन, जीरो जीरो, और ये जो है सो देखिए एफ एक्स है यहाँ पे तो सब जगह एक्स है, अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस, यही आपको प्रूव करना था। देखिए कितना आसान है लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही आप देख सकते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एफ एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स है, अगर एफ एक्स प्लस वाई होगा तो वहां कॉस एक्स प्लस, तो यहां भी कॉस एक्स प्लस वाई आया है, यहां साइन एक्स है, यहां एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आया, जीरो का जीरो जीरो सब आ गया है, यहां एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, यहां एक्स एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां पे प्लस वाई है ना। तो दो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखे, और अब छोटा छोटा दो दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आसान है, इसको नहीं भी बताएंगे तब भी बना लेंगे आप, लेकिन ये दो साल एग्जाम में आ चुका है, और इस वर्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ले रहा है, पैटर्न चेंज है कोरोना के कारण, तो इस वर्ष के पैटर्न के आधार पर हम लोग क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि पिछले वर्ष जो बिना कोरोना का एग्जाम हुआ था उस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यदि आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो, ठीक है। तो क्या करना है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है, तो ए स्क्वायर बराबर कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स कॉस टू एक्स सिद्ध करना है,
ठीक है। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है cos x माइनस साइन x, साइन x cos x, इसी को दो बार गुना करेंगे तो इतना आएगा। और कौन सा फॉर्मूला, अभी अभी जो हम आपको बताए थे साइन 2x बराबर और cos 2x बराबर, बस उस पर तुरंत बन जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख देते हैं, LHS क्या ले लेते हैं, सिद्ध करना है सो दैट, तो LHS ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब दो बार ए को गुना करना, ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिख दे, cos x माइनस साइन x, साइन x इंटू cos x, फिर यही सेम चीज दो बार ए है ना, cos x माइनस साइन x, साइन x इंटू cos x, क्लियर है ना। अब गुना करेंगे, कौन गुना करेंगे, कोई नया, अच्छा चलिए आप नया हाथ उठाए हैं, बोलिए, गलत होगा चलेगा कोई बात नहीं, वेरी गुड। गुस्सा में बोल रहा है कि cos स्क्वायर x बोला यार, cos स्क्वायर x इस रो को इस कॉलम से, चलिए हम टिक भी लगा दिए, cos स्क्वायर x, हाँ वेरी गुड, माइनस साइन स्क्वायर x, फर्स्ट ईयर में कभी नहीं बोला, पहली बार लगता है बोल रहा है सेकंड ईयर में, cos x इंटू, देख लो यार सोच के थोड़ा बोलो, प्रतिष्ठा की बात, थोड़ा सा और सोचो ना, इसको इससे गुना करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं ऐसा ही गलती होता है, इसलिए बिल्कुल हम विद्यार्थी को खड़ा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सही बोल पाए सीख पाए, वेरी गुड। हाँ cos x को sin x माइनस साइन x से गुना करेंगे तो माइनस cos x इंटू साइन x, बोलने दीजिए बाबू उसी को, आगे बाबू इसको इससे गुना किए, अब इसको इससे गुना करें, वेरी गुड, माइनस साइन x इंटू cos x, वेरी गुड। चलिए अब इसको इससे गुना कीजिए, साइन x इंटू cos x, cos x इंटू साइन x, वेरी गुड, एकदम बढ़िया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या नाम है, हैं शिवम कुमार, सत्यम शिवम सुंदरम वाला शिवम, ठीक है, थोड़ा ताली बजाइए बाबू साहब के लिए, ठीक है, सेकेंड ईयर में बोले और पहली बार वो पूरा सही बोले, कहीं गलत नहीं है, बैठ जाइए बाबू। चलिए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी अभी हम लोगों ने लिखा है इसका फॉर्मूला, अभी नहीं लगाएंगे, एक और विद्यार्थी को खड़ा करेंगे और देखेंगे कि उसको याद है कि नहीं। यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू टाइम्स है, तो दो गुना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए, यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो टू साइन एक्स इंटू, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो कौन बताएंगे कौन कौन फार्मूला लगेगा, जिसको अभी अभी हम लोगों ने बताया भी था, ये किसका फार्मूला है, कितने लोग बताएंगे किसका, cos 2x का, अभी ना चार फार्मूला लिखे थे हम लोग, ये किसका है, माइनस साइन 2x का, ये भी साइन 2x का, ये माइनस साइन 2x का नहीं है, ये साइन 2x का ही है, यहाँ माइनस पहले लगा हुआ इसलिए माइनस बोले, और ये किसका है, फिर से देखिए तो जो सिद्ध करना था सो आया है कि नहीं, आया नहीं, एकदम यही सेम चीज यहाँ आया, ठीक है, सेम है कि नहीं, नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये माइनस यहाँ नहीं यहाँ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन गलती हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे तो ऐसा सोच के आप यहाँ माइनस करके सेटिंग करके आंसर नहीं लिखना है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाइए और यहाँ देखकर ये जो दिया है वैसा लाने का प्रयास मत कीजिए, जो आपका आता है वही सही है, क्योंकि शिवम आज बनाया है ना। चलिए ये क्वेश्चन है, गुना करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे, तो गुना करने का क्या रूल है कोई बताएंगे, बोलो बाबू, x का मान निकालना है, गुना कैसे करें, आपके पास दो ऑप्शन, कितना ऑप्शन, दो, फैन रो को कॉलम से गुना करेंगे, उसके लिए उसके पहले क्या नियम है, वन इंटू थ्री, ये थ्री इंटू थ्री, ये थ्री इंटू वन, हम इन दोनों को भी गुना कर सकते हैं, देखो बाबू हम इन दोनों को, इसका रो इसका कॉलम इसका रो से मिल रहा है, पहले इसको इसको भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, जो हम करेंगे वो आप नहीं करेंगे घर में,
ठीक है, हम अगर इन दोनों को आपसे पूछेंगे, इन दोनों को गुना करने बोलिएगा तो इन दोनों को गुना करेंगे, तो आपको इन दोनों को गुना करके घर पे बनाना है ताकि दो मेथड आपको मिले, ठीक है। अगर हम इन दोनों को भी चाहें तो गुना करने, तो इसको भी गुना कर सकते हैं क्योंकि इसका बाद वाला इसका पहले वाला से मिल रहा है। तो आप ऑप्शन बताइए कि हम करें क्या, इसको इसको गुना करें पहले या इसको इसको गुना करें पहले, किसी को भी बोल सकते हैं। जो हम करेंगे फिर उसको आपको दूसरा करना होगा, फर्स्ट दोनों को गुना करना है ना, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका बाद वाला इसका पहले वाला से मिल रहा है, इसको इसको गुना करेंगे तो 1/3 का मैट्रिक्स आएगा। कितना बाई कितना का? 1/3 का। चलिए गुना कर लीजिए, बैठ जाइए बाबू। इसको इससे गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना किया तो, इसको 4 से गुना किया तो, इसको 1 से गुना किया तो, कोई दिक्कत है? इसको इससे, अब इसको इससे, दो एक को दो से, 5 को 1 से, 2 को फिर 1 से, क्लियर। फिर थोड़ा स्पेस दीजिए, उसके बाद 3 1 को 3 से, 6 को 1 से और 1 को 5 से गुना कर दिए, क्या बच गया? 1 - 2 = 3 = कोई दिक्कत है? कितना हो गया? 4x + 4। यहाँ कितना हो गया? 4 + 5x। कोई दिक्कत नहीं, 5x + 4 लिखिए, प्लस में कोई मैटर नहीं। 6x + 8, 1 - 2 = 3। ठीक है, हम एक टाइप का ये क्वेश्चन बताए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको आवाज़ से बना लेंगे। फ्लैक्स रिफ्लेक्शन हो रहा है पीछे का दरवाजा से। 1 से गुना करेंगे इसको, इस रो को इस कॉलम से गुना करना है, तो 1 × 4x + 4। -2 को इससे, -2 × 4 + 5x। 3 को इससे, 3 × 6x + 0। 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4x + 4 - 8 + 10x + 18x + 8 = 24 = एक्स वाला कहाँ कहाँ? 18 और 4 कितना हो गया? 22 में 10 चला गया तो 12x, क्लियर है? फिर 4 = 24 कितना हो गया? 28 में 8 चला गया तो 20, प्लस में ना = 12x - 20, इसलिए x = -20/12। 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, आंसर है ना बाबू इतना? -5/3, कोई दिक्कत? और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन पर है, ये पूरी तरह से अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन है इफ a = 1101 एंड a^n = 1n01 वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वी हैव टू प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है। हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास का है जो कि सिलेबस से कटिंग कर दिया था। बहुत लोग मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभी और अभी समझ में आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेफरेंस राइटर में कैसी सिन्हा में अलग से एक टाइप दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन का, आरडी शर्मा में अलग से टाइप दिया है, आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज में एक और उदाहरण में दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और सबका बस एक ही सिस्टम होगा जो अभी हम बता रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का हिंदी होता है आगमन सिद्धांत। आगमन सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले a^n या n वाला जो इक्वेशन है उसमें n के जगह पे 1 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? 1। और 1 पुट करने के बाद देखेंगे कि a बराबर जो दिया हुआ है सो आया है कि नहीं। अगर आ गया तो सत्य है। क्या है? सत्य है, राम नाम नहीं, सिर्फ सत्य है, समझ गए ना? a बराबर क्या होगा? सत्य होगा। तो दिख रहा है कि n के जगह पे 1 रख देंगे तो यहां भी 1 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, क्लियर।
उसके बाद एन के जगह पे के रखना है, क्या रखना है के, एन की जगह पे क्या रखना है के, हम बनाकर बताएंगे क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है इसलिए पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद फिर बना देंगे। एन की जगह पे के रखेंगे फिर लिखेंगे के एन बराबर के इज ऑल्सो ट्रू, उसके बाद दोनों तरफ ए गुना करेंगे, ऐसा सारा क्वेश्चन में होगा इंडक्शन का, जितना भी क्वेश्चन हो जाए दोनों तरफ क्या चीज़ से गुना करेंगे ए से, तो ए से गुना करने के बाद ए का पावर के प्लस वन हो जाएगा और जहां एन है गुना करने के बाद खुद ही के प्लस वन अगर आ गया तो दिया हुआ क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सही है, क्लियर। और ये भले ही इतना देर लग रहा है समझाने में या लिखेंगे और एक पेज में बनेगा लेकिन सब अभी तक जितना बना है उसमें सबसे आसान लगेगा आपको बनने के बाद, लेकिन ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, ए का पावर एन बराबर वन एन जीरो वन, पहले क्या पुट करने बोले थे, पुट एन बराबर वन, तो जब एन बराबर वन पुट करेंगे तो ए टू द पावर वन बराबर वन वन जीरो वन, यानी ए बराबर वन वन जीरो वन आएगा। सो एन बराबर वन इज ट्रू, कोई दिक्कत है। फिर क्या पुट करने बोलेंगे, बोले पुट एन बराबर के, जहां जहां एन है इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे आप के, जहां एन है वहां पे क्या पुट करेंगे के, कोई दिक्कत नहीं ना, वन पुट किए कोई दिक्कत, वन पुट किए उसके बाद एन की जगह पे क्या पुट कर दिया इसी में के। अब क्या बोले थे इसके बाद, दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई बोथ द साइड, दोनों तरफ कैसे गुना कर रहे हैं ए से, तो ए इन ए टू द पावर के इंटू ए वन के जीरो वन इंटू ए, कोई दिक्कत है हाँ या नहीं। तो ए का पावर यहाँ कितना है वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के प्लस वन, यहाँ वन के जीरो वन, और यहाँ ए का मान लिख देंगे जो हम लाए हैं सो, या जो दिया हुआ है सो, क्लियर। अब इसको गुना करने के बाद यदि इस के जगह पे के प्लस वन आ जाए, यहाँ अगर के प्लस वन रखेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए के प्लस वन, और गुना करने के बाद यहाँ के प्लस वन आ जाए तो इसका मतलब है कि गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू, कोई दिक्कत। तो चलिए गुना करते हैं, वन को किससे गुना करेंगे तो क्या आ गया वन, और वन को के को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, ये वाला हमेशा याद रखिए ठीक ना। अब वन को वन से गुना करेंगे तो, और के को वन से गुना करेंगे तो, जीरो को वन से गुना करेंगे तो, वन को जीरो से गुना करेंगे तो, जीरो को वन से गुना करेंगे तो, वन को वन से गुना करेंगे तो वन, देखिए तो आ गया ना हाँ या नहीं। तो क्या लिखेंगे, दस एन बराबर के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, सो गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू, और किताब में इसका आंसर भी देखिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इसका आंसर देता नहीं है, कोई दिक्कत है। बनने के बाद कैसा लगा ये, ठीक है, सबसे सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, एन के जगह पे वन पुट करना है, वन पुट करने के बाद देखना है जो ए बराबर दिया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, मैच किया तो एन बराबर वन इज ट्रू। फिर एन के जगह पे क्या रखना है के, जहां जहां एन होगा वहां के रख दीजिए, उसके बाद दोनों तरफ क्या गुना करना है ए से, गुना करने के बाद ऑटोमेटिक जहां एन के जगह पे के प्लस वन रखेंगे तो सब जगह के प्लस वन के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर ये कहा जाएगा कि गिवन इंडक्शन इज ट्रू, ठीक है। तो इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो एकदम सब इसी तरह से बनेगा, और उसका कोई आंसर किताब में देगा बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ये चेक करना होता है कि गिवन इंडक्शन इज ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो आज कौन सा वीडियो था, वीडियो नंबर 5, और कल हम लोग नए
लेशन के साथ मिलेंगे, तो आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।